महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई को आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहां के राजस्थानियों और गुजरातियों को दिया है। कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा था, कभी कभी मैं यहां के लोगों से कहता हूं कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। अब उनका ये बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवारा गुजर रहा है। संजय राउत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरा है। उन्होंने कहा कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में सीएम शिंदे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया है। आपको बता दें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान की विपक्ष ने आलोचना की है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए भी मराठियों और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हो गया है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। संजय राउत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना ले, कम से कम सीएम शिंदे इसका विरोध तो करें, ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।